Hello my dear students, welcome back to the channel. Students, today we will discuss about the foolish son-in-law of the class 6th. Pila mane aji ame mane 6th shreni ro my english book ro the foolish son-in-law bisoy ti padhiba. The foolish son-in-law koile bokka juai bisoy re kebe gopo sunicha ki sunina na aji ame mane e gopo ti padhiba thik achi. ता पूर्व कही रखे पे जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे चैनल टी सब्सक्राइब कर दिया पाखर थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि मोर समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मन को सर्वप्रथमे पहुंची पार पे ए लेसन टू रो द फुलिश सन इन लॉ विषय पढ़ा पूर्व गोटे से बोका ज्वाई विषय गोटे क्षुद्र गल्पटे पढ़ी नवा ठीक अच्छे. स्टूडेंट्स डू यू नो देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट फुलिश सन इन लॉ. पिला माने तुम्हें माने जानी छो कि बोका ज्वाई विषय अनेक गप रही तुम्हें माने जानी छो कि दिस स्टोरीज आर देयर इन एवरी लैंग्वेज. ए गल्पटी द फुलिश सन इन लॉ गल्पटी बहुत भाषा रे अच्छी. कैन एनीवन ऑफ यू टेल अस सच एज ए स्टोरी. ए भई गप तुम मानक मधुर किए कही परिवो कि गपटी बहुत इंटरेस्टिंग हे थिबो ना पिला माने. चलो अबे गपटी को आरंभ करिबा. देयर वाज ए विलेज क्वाक कहले ए फेक और फॉल्स प्रैक्टिशनर कहले माने ठक वैद्य ठीक अच्छे. गोटे गाँव में गोटे ठक वैद्य थिला. ही ऑल्सो ट्रेंड हिज सन टू बी ए क्वाक. से ता पुओ को मध्य गोटे ठक वैद्य बनैथिला. वन डे द फादर इन लॉ ऑफ हिज सन हाड ए फीवर. दिने कौन हला ना ता पुअर ससुर जीए फादर इन लॉ कहा पुअर वैद्य पुअर ससुर जीए हे तांको बहुत ज्वर होता भीषण ज्वर होता. हि दे आर फोर सेंट हिज सन टू ट्रीट. से कौन कले ना वैद्य जनक पुओ को पठेले कौन करने फादर इन लॉ रहा ससुर चिकित्सा करने. व्वेन हिज सन व्वाज एबाउट टू लिव He gave his some advice. जेते बड़े तांको पुओ ससुर घर जीवा को बाहर ले ससुर घर को जीवा पे प्रस्तुत हेले सेते बड़े कौन कले वैद्य जनक ठक वैद्य जनक तांको पुओ को किछि उपदेश देले ठीक अच्छे. लिसन सन कॉमन सेंस विल मेक यू ए ग्रेट डॉक्टर. तांको बापा कहले से ठक वैद्य जनक तांको पुओ को कहउछनी सुन पुओ कॉमन सेंस विल मेक यू ए ग्रेट डॉक्टर. कॉमन सेंस कहले साधारण ज्ञान तोते दिने एक महान डॉक्टर करी परिबो. सिंपल कॉमन सेंस देन ही गेव हिम एन एग्जांपल फॉर हिज एक्सपीरियंस. तांकर अभिज्ञता रु से तांको पुओंकु गोटे उदाहरण देले. वन्स आई वेंट टू ट्रीट ए पेशेंट. थरे मु गोटे पेसेंट कहले रोगी को चिकित्सा करने को गली. आई स बनाना पिल्स अंडर हिज कोट. बनाना पिल्स कहले बनानार स्किन जोटा कि आमर चोपाटा कदमी चोपाटा. से कौन कहले वैद्य जनक आई स बनाना पिल्स अंडर हिज कोट. मुझे कट कहले जो खटिया भाया पड़ था से खटिया तले मु कौन देख ली बनाना बा कदमी चोपा देख ली. देन टेस्टिंग हिज पल्स आई सेड यू मस्ट हाव टेकन बनाना. पल्स कहले जो नाड़ी की नाड़ी चिपी धरती मानने डक्टर मैंने प्रायत तुम्हें मैंने देखी थी से पल्स टाक टेस्ट कले जो टेस्ट कले से कौन देखिले से कौन जनइले से पेसेंट को यू मस्ट हाव टेकन ए बनाना. तुम्हें निश्चय कदमी खाई. दैट इज व्वे यू हाव ए बैड कोल्ड. से तुमको बहुत जोर से थंडा धरी नहीं. द पेसेंट आंड हिज फादर वेयर सरप्राइज. रोगी जनक आर बापा आश्चर्य हो गले. हाउ कुड आई टेल फ्रम हिज पल्स दैट हि हाड इटन बनाना. मुमती मुपरिजे पल्सटा बा नाड़ीटा धरिकी मुपरिजे से बनाना खाई खाई बोली से एक भाविकी से रोगी आर बापा आश्चर्य हो गले. इन दिस वे यूजिंग माई कमन सेन्स आई बिकेम ए वेरी फेमस डॉक्टर.
डॉक्टर से समय कौन कली ना मोर साधारण ज्ञान उपस्थित बुद्धि खटे कि जने फेमस डाक्टर हो पारि प्रसिद्ध डाक्टर हो पारि देयरफॉर सन यूज योर कॉमन सेंस भाव तू मध्य तोर साधारण बुद्धि खटेबू बा साधारण ज्ञान को यूज करिबू व्यवहार करिबू द सन वेंट टू हिज फादर इन लॉ तांको पुओ जनक कोठी गले ता ससुर घर को गले ही सॉ हिम लेइंग ऑन ए कॉट से कौन देखिले से देखिले तांको ससुर भी गोटे खटिया रे पड़ी रही छंती अंडर द कॉट आई अंडर द कॉट ए कैट वाज स्लीपिंग से तांकर खटिया तारे देखिले गोटिए बिलीव सोई छी नाउ ही वांटेड टू यूज हिज कॉमन सेंस लाइक हिज फादर वर्तमान से कौन कहले चाहिले ना वर्तमान से इच्छा कले तांकर उपस्थित बुद्धि बा तांकर साधारण ज्ञान को व्यवहार करिया पई तांको बापांक भली ना नै टू बिकम फेमस से तांको बापांक भली तांकर साधारण ज्ञान को व्यवहार करी जने फेमस डाक्टर हेबा पई इच्छा कले बा चाहिले ही टुक द पल्स ऑफ हिज फादर इन लॉ फॉर सम टाइम से किछ समय पई तांको ससुरंकर नाडी को चिपी धरले हाथ को हाथर नाडी को चिपी धरले एंड प्रिटेंडेड टू थिंक किछ समय भाबिबा भली एक्टिंग कले देन ही सेड तापर से कहिले फादर इन लॉ यू मस्ट हैव ईटन ए कैट ससुर कहउछन्ति कि ससुर आपण निश्चय गोटे बिलई खाई हुईच इज व्हाई यू आर रनिंग ए हाई टेम्परेचर जो कि आपण को बहुत जोर से ज्वर हो जाए पाने गपटी तुम मानक केमती लगुच टाइप रम एस जि पी वन आउ टू रे आउ थ्री रे मध्य टाइप रो गोटे फुलिस सन इन लॉ बोका ज्वाइर गोटे गप रही आम यहाँ को नेक्स्ट क्लास पढ़ा बाकी गप तुम मानक केमी लगला फुलिस सन इन लॉ गपटी तुम मानक केमी लगला मत कमेंट मध्यम जनइब बाकी आम आउ जो फुलिस सन इन लॉ आउ गोटे गप रहा लेसन रो गोटे गप रहा आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा ठीक अच्छे आशा करुच्छी पे ए गपटी तुम मानक बहुत पसंद आसी जदि गपटी तुमको बहुत भल लगला भिडियोर गोटे लाइक कर दियो भल भल कमेंट्स कर और सांग मानक मध्यरे भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करो स्टूडेंट्स इफ यू बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू।